सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या आया था हमारा, बी डी अपॉन ए डी, दैट वॉज द स्लोप ऑफ द बी टी ग्राफ। ठीक है, तो यहां देखिए ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, क्या है हमारे पास टी, तो बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ये तो हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए जब मैंने आपको ग्राफ समझाए थे तो मैंने उसमें बताया था कि जो एरिया कवर्ड होता है, जो भी एरिया कवर्ड होता है वो उसकी डिस्टेंस होती है, मतलब डिस्टेंस ये है। ठीक है, हम इसको कैसे निकालेंगे, अगर हमें ये निकालनी हो डिस्टेंस तो हम निकालेंगे कैसे, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को अगर हम निकाल लेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। अब इस पूरे एरिया में देखो, डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू एरिया कवर्ड ओ ई बी ए। ठीक है, ओ ई बी ए। अब इस एरिया में आपको दो शेप्स नजर आ रहे होंगे, एक तो ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू परपेंडिकुलर एंड दिस बेस बी डी मल्टीप्लाई बाय ए डी। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ कितनी हम इसकी मान सकते हैं, ये वाली ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए ओ ए इंटू ओ ई। ठीक है, अब ये देखो वन अपॉन टू बी डी, बी डी की वैल्यू क्या थी यहां से a into t, ad वहां से देखिए ad क्या है, ad है t प्लस oa कितना है u और oe t। ठीक है, तो यहां पर देखें s इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस वन अपॉन ए टी स्क्वायर, ये हमारी प्रूफ है। इसके बाद आती है थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हमें इसे शो करना है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आया था, बी डी अपॉन ए डी, दैट इज बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इसके बाद हमें डिस्टेंस डिस्टेंस निकालनी होगी, तो इसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ए ओ ए बी। ठीक है, अब इसका एरिया जो है हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, मतलब इस टाइप की जो भी शेप होती है ना, इस टाइप की, उसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहां पर देखो आप वन अपॉन टू तो ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, इसमें बताइए पैरेलल लाइंस कौन सी हो सकती है, ये दोनों तो है ना पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इन दोनों का सम होगा, एक तो ये हो जाएगी ओ बी ई, ठीक है, दूसरी हो जाएगी पैरेलल लाइन ये वाली ए ओ यानी प्लस ए ओ। ठीक, अब इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो यही है ना ओ ई। ठीक है, या फिर हम इसको ओ ई की जगह ए डी भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप ओ ई लिखना चाहिए ए डी लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखें आप
वन अपॉन टू इंटू बी ई, बी ई की वैल्यू कितनी है बी, ए ओ है यू इंटू ए डी। अब ए डी हमारे पास डायरेक्ट टी तो है लेकिन हमें यहाँ पर स्क्वायर में लेके आना है। स्क्वायर में हम कैसे लेके आ सकते हैं, यहाँ देखिए आप ए डी, या फिर आप देखें तो टी ही लिख लीजिए। चलिए वन अपॉन टू इंटू वी प्लस यू, अभी ये कोई फॉर्म नहीं बन रही है अभी भी, तो हम इसे क्या करेंगे टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। टी की वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, यहाँ से देखा टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये आएगी। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए वी प्लस यू वी माइनस यू, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एस इज इक्वल्स टू क्या आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। इसको हम सही करके लिखेंगे तो वी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन बाई वीटी ग्राफ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।